हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एट सेक्रेड इंटरनेशनल। दिस इज सलोनी एंड आज हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर वन तो देख ही लिया है, समझ लिया है और आप सीख भी चुके हैं, सो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने चैप्टर टू। आज हम लोग काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, बट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एंड या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और ऑब्वियसली ये सेकंड वीडियो भी कैसे लगेगी। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। इन अदर वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंस। आप डेली लाइफ में कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वेल, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मॉर्निंग से। सो जब भी आप उठते हैं, सबसे पहले आप मॉर्निंग में क्या कहते हैं कि सुबह हो गई है, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज मॉर्निंग। और अगर आप कहना चाहते हैं कि दोपहर हो गई है, इट इज afternoon. Same is the case with the evening. अगर आप कहना चाहते हैं कि शाम हो गई है तो आप कह सकते हैं it is evening. और second sentence वो ये है कि जब भी सुबह होती है तो सबसे पहली चीज जो हम इंडियंस की है कि हम लोग सुबह उठते ही चाय मांगते हैं। मुझे नहीं पता आप गाइज मांगते कि नहीं मांगते, बट हमारे यहां तो पीपल आर क्रेजी अबाउट टी। तो आज मैं आपको चाय के बारे में ही सेंटेंस बताना चाहती हूं। और जो सेकंड सेंटेंस है वो ये है कि चाय काफी गर्म है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टी इज प्रेटी हॉट। टी इज प्रेटी हॉट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस के बारे में। सो जब भी आप चाय पी लेते हैं तो उसके बाद आपका काम आता है नाश्ता करना। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, तो आप उस समय बोल सकते हैं आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने दोपहर का खाना खा लिया है या दोपहर का भोजन खा लिया है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टेकन माई लंच। आई हैव टेकन माई लंच। इन द सेम वे अब मैं आती हूं रात के खाने के ऊपर। सो इसी तरह सेंटेंस रहेगा, बस आपको क्या करना है कि लंच की जगह पे डिनर यूज करना है। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टेकन माई डिनर। मैंने अपना रात का खाना या रात का भोजन जो है वो खा लिया है। अब उसके बाद बात आती है अगर कोई आपके घर में बहुत ज्यादा शोर मचाता है, स्पेशली आपके बच्चे अगर आप मैरिड हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपके सिबलिंग्स। सिबलिंग्स से मेरा मतलब है आपके भाई और बहन। अक्सर भाई बहनों को बहुत आदत होती है कि वो बहुत शोर मचाते हैं, और अगर आप उनको कहना चाहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप रहो या फिर चुप हो जाओ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कीप मम। कीप मम। कीप मम मतलब चुप हो जाओ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी फैमिली, अपने घर वाले या अपने रिश्तेदारों के सामने एम्बैरेस्ड होते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस जल्दी से कर दो, ताकि आप भी जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख सको, ताकि आप भी कुछ ही दिनों में फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए। चले अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा अगला सेंटेंस ये है कि मेरे सर में दर्द है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। और अगर आप कहना चाहते हैं अगले सेंटेंस में कि आज मेरी जेब खाली है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आज मेरी जेब खाली है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ पॉकेट टूडे। अगला हमारा सेंटेंस है अब मेरी बारी है, तो आप लोग उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज माई टर्न नाउ। इट इज माई टर्न नाउ। इससे अगला सेंटेंस है हमारा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और वो ये है कि तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब ये सेंटेंस तो हम अपनी डेली जिंदगी में बोलते ही बोलते हैं। हर रोज कोई ना कोई इंसान हमारी जिंदगी में ऐसा होता ही है जो हमारे नाक में दम कर देता है, ब्रदर के रूप में, फ्रेंड के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, या फिर सोसाइटी में नेबर्स के रूप में भी। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में भी है जिसने आपके नाक में दम कर रखा है, इसकी इंग्लिश ये है यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स।
अगला सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। तो आप लोग उसको इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके के साथ बोल सकते हो और वो ये है आई कैनॉट बियर दिस इंसल्ट। और लास्ट सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। इसी सेंटेंस के साथ हमारे 10 सेंटेंसेस जो हैं वो खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड लेके आऊं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल और बिना वीडियो को लाइक किए तो बिल्कुल मत जाना। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप फराटेदार इंग्लिश बोले तो आपको तो यही काम करना है कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी काम मेरा। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।